से दूर नहीं रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। 370 और राज्य का दर्जा वापस दिलाने का किया संकल्प। तालिबान से की मानव अधिकारों का संरक्षण करने की अपील। जम्मू में झमाझम बारिश से गर्मी व उमस से मिली लोगों को दी जान। जलभराव से कई इलाकों में राहत के बजाय आफत। उपराज्यपाल के कायल हुए कश्मीरी विस्थापित, पोर्टल की सुविधा दिए जाने के लिए जता रहे हैं आभार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनावों में भाग लेने का संकेत देते हुए कहा कि हम चुनाव प्रक्रिया से दूर नहीं रहेंगे, लेकिन पहले केंद्र को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। श्रीनगर में आज अपने पिता स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मजार पर उनकी 29वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं मालूम है कि जम्मू कश्मीर में कब विधानसभा चुनाव होंगे। जब भी ये चुनाव होंगे हम इनका बहिष्कार नहीं करेंगे, हम इनसे दूर रहने के बजाय इन चुनावों में हिस्सा लेंगे, चुनाव जीतेंगे भी। केंद्र सरकार को चुनाव कराने से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ऐलान करना चाहिए। वहीं पर अनुच्छेद 370 से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने और अनुच्छेद 370 की पूर्ण बहाली के लिए हम हमेशा संकल्पबद्ध हैं और प्रसारित हैं। इससे लेकर हमारे स्टैंड और नीतियों में कोई बदलाव नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के सत्तासीन होने पर उन्होंने कहा कि तालिबान को मानव अधिकारों का संरक्षण करना होगा। अगर वह इस्लाम के नाम पर सरकार बना रहे हैं तो उन्हें इस्लाम की बुनियादी असूलों का पाबंद रहना होगा। मैं जानता नहीं हूँ कब होंगे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। हमने इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह ज़रूर लड़े छूट है। और जहाँ तक 370 का मामला है, 35A का मामला है, हम तो उसमें डटे हुए हैं। उसमें कोई हम में कोई शिकाफ नहीं आया है उसमें, और इंशाल्लाह एक दिन उसको ज़रूर कामयाब। देखिए, अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना है जो वहाँ पर आए हैं। मैं यही उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्दनज़र रखेंगे और इस्लामी असूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा करने का। जम्मू में पिछले दिन से बीच बीच में हो रही बारिश के बाद मौसम में अब हल्का बदलाव होने लगा है। आज बारिश से मौसम सुहावना होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि जम्मू में कई जगहों पर यह बारिश राहत के बजाय आफत भी साबित हुई। जगह जगह पर जलभराव होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बारिश में चुभने वाली गर्मी से बेहाल लोगों ने तो राहत की सांस ले ली है और किसानों में अच्छी फसल की उम्मीद जगी है। सोमवार के बाद मंगलवार सुबह भी बारिश हुई, लेकिन आज मूसलाधार बारिश से उमस से लोगों को निजात मिली है। मौसम विभाग ने मध्यम से भारी बारिश के अनुमान पहले से ही लगा लिए थे और इस बारिश के बाद रात को और सुबह के मौसम में हल्की ठंड होने की संभावना है। इस वर्ष जुलाई के दूसरे पखवाड़े का को छोड़कर लगभग पूरे मॉनसून में ही बारिश सामान्य से कम हुई है। ये मौसम तो बहुत चेंज हो गया है, इस बारिश के लिए बहुत बारिश हुई है। इसके लिए वो किसानों का बहुत फायदा हो गया, वो भी परेशान थे बारिश के लिए, इसके लिए वो अच्छा हो गया उनके लिए भी। बाकी इधर भी अच्छा हो गया, जो मच्छर मुच्छर सब मर गया, बस ठीक हो गया मौसम। गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन उसके अलावा हमारे जो किसान भाई हैं जो काफ़ी देर से इस बार कम बारिश की वजह से जूझ रहे थे, फसलें खराब हो रही थी, उनके लिए काफ़ी एक राहत भरी सांस होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं मक्की का सीज़न है, उसके लिए बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कंडी एरियाज़ में खासकर फसलें प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा शहर की बात करें तो यहाँ पर भी उमस इस बार इस महीने तक भी जाने का नाम नहीं ले रही थी। कहीं ना कहीं इस बारिश से जो बताई जा रही है कि अभी 2-3 दिन और जारी रहेगी, सभी को जो है ज़रूर रियायत मिलेगी।
लगभग 3 दशक पहले आतंकवाद की आग के कारण अपने घर छोड़कर आए कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने न्याय की आस जगने पर जम्मू कश्मीर प्रशासन का आभार जताया है। कश्मीरी विस्थापितों ने उनकी शिकायतें दर्ज कराने के लिए उपराज्यपाल द्वारा पोर्टल की सुविधा दिए जाने का स्वागत भी किया है। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि ये पोर्टल उनकी कश्मीर में छूट चुकी जमीनों को वापस दिलाने व अन्य मुद्दों को हल करने में बेहद कारगर साबित होगा। बात आज नींद से जाग गए और ये पोर्टल बनाया जो कि कश्मीरी पंडितों को अपनी एनक्रोचेड प्रॉपर्टी के लिए इंफॉर्मेशन देगा जब कोई फार्म भरेगा ये पोर्टल पर। मगर इसी के साथ मुझे ये भी कहना है कि लगभग 300 केसेस अभी मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस में पड़े हैं जो पिछले 2 डेकेड से अप्लाई करते रहे हैं कि हमारी लैंड एनक्रोच हुई है, मगर आज तक कुछ नहीं निकला। और अब उम्मीद है कि जो भी इसमें टाइम बॉन्ड रखा है इसमें कोई एक्शन हो जाएगी। मगर मैं साथ साथ अपने पंडित भाइयों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि ईमानदारी से यह पोर्टल इस्तेमाल करें और ऐसा ना हो कि अपनी बरादरी के साथ उधर गलत हो जाए इस पोर्टल के गलत इंफॉर्मेशन भरने से। हमारे बीच में अब ये कुछ उम्मीद जगी है कि जो हमारी ज़मीन जायदाद थी जो एंक्रोचमेंट हुई थी वो वापस मिले। काफ़ी देर से हमारी डिमांड थी, काफ़ी लोग परेशान थे जिनकी पुश्तों की ज़मीन जायदादें थी वो सारे कब्जे में थी, लोगों ने उसको कब्जा करके रखा हुआ था, चाहे वो बाग हो चाहे वो अपना चावल की ज़मीन हो या कोई भी चीज़ हो, सारा उसको एनक्रोचमेंट करके रखी हुई थी। बहुत अच्छा स्टेप है, वेलकम स्टेप है। हमें भी उम्मीद जगी है कि हम अपने मातृभूमि में वापस जाएंगे जहाँ हमारा जन्म हुआ है। तो युवाओं को भी बहुत खुशी हुई है इस स्टेप पर कि हम अपनी जगह पर वापस जाएंगे। और इसी बात में एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर जल्द घर वापसी हो तो हर घर से एक नौकरी जो हमारे युवा दरबदर हो गए हैं इस पे भी गवर्नर साहब को सोचना चाहिए। बहुत अच्छा स्टेप था, हम फिर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो मनोज सिन्हा साहब ने पोर्टल लॉन्च किया है उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हम उस चीज़ का बड़ा वेलकम करते हैं सर। जो हमारी 30 साल से प्रॉपर्टी पड़ी हुई है वहाँ उसका उन्होंने कुछ समाधान निकाला है। तो अभी जो है हमारी काफ़ी मंदिरों की जो लैंड है वो काफ़ी मंदिरों की लैंड एनक्रोचमेंट में है। तो लेकिन उसके बारे में उन्होंने उसमें कुछ बताया नहीं है कि उसका कैसे क्या करना है। तो इस चीज़ का हम तहे दिल से बड़ा वेलकम करते हैं कि उन्होंने इस अपने टर्न ओवर के दौरान कश्मीरी पंडितों का जो समाधान निकाला है उसका हम तहे दिल से शुक्रिया। जम्मू नगर निगम के निर्दलीय व कांग्रेस के पार्षदों ने करीब 6 महीने के बाद होने जा रहे जर्नल हाउस की बैठक को ऑनलाइन तरीके से किए जाने के फैसले पर एतराज जताया है। इन पार्षदों का कहना है कि लोगों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा करना और उनका हल निकाल ऑनलाइन तरीके से संभव नहीं हो सकता है, लिहाजा ये बैठक ऑफलाइन मोड से होनी चाहिए। पार्षद अशोक सिंह मनहास ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्नल हाउस की बैठक के इस तौर तरीके की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अगर संसद ऑफलाइन मोड में चल सकती है तो जर्नल हाउस की बैठक का भी इसी तरीके से आयोजन किया जाना चाहिए। को ऑनलाइन जो जर्नल हाउस की मीटिंग कर रहे हैं ये एक बड़ी शर्म की बात है कि 5-6 महीने के बाद हमारा हाउस लगने जा रहा है और वो भी हमारा ऑनलाइन मोबाइल पर। आप बताइए हमारे जो मुद्दे हैं यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे, हमारी डेवलपमेंट रुकी हुई है, कॉरपोरेशन में हर एक विंग में हमारे जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम मोबाइल पर कैसे हम उसको एड्रेस कर पाएंगे? क्योंकि जब हाउस लगता है तो वहां पे हमारे 75 कॉर्पोरेटर और सामने हमारे मेयर और डिप्टी मेयर और कमिश्नर बैठते हैं और उसके बाद वहां पे हमारा सारा स्टाफ होता है, हमारे अफसर होते हैं। आज आपके माध्यम से हम एलजी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कॉर्पोरेशन को एक हिदायत दी जाए कि अगर पार्लियामेंट जहाँ पे 500 से ऊपर हमारे एमपी हैं, हॉनरेबल एमपीज हैं, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर वहाँ पे पार्लियामेंट पिछले दिनों वहाँ पे चल रही है
तो हमारे कॉरपोरेशन में अगर 75 कॉरपोरेटर और थोड़े से जो मेन मेन अफसर वहां पे आके नियर वोट 100 के करीब वहां पे लोग हो जाएंगे, तो ताकि हमारे जो हमारी बाड़ों के जो मसले हैं वो हम एड्रेस कर ऑनलाइन। जिला डोडा के गांव धौरीत कारा का एक गुज्जर परिवार पिछले 8 दिनों से डोडा डीसी के कार्यालय के बाहर डेरा लगाए हुए है। इस परिवार के 11 सदस्य न्याय की उम्मीद लेकर डीसी कार्यालय के बाहर बैठे हैं। इनका आरोप है कि आतंकवाद के दौर में जब वो अपना गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए थे तो उनकी 80 कनाल जमीन को एक व्यक्ति ने हड़प लिया था और पिछले 10 वर्षों से वो अपनी जमीन को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पर डीसी डोडा विकास शर्मा के मुताबिक उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश ACR डोडा और SDM ठाठरी को और तहसीलदार को दिए हैं। सभी अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। 30-32 साल की बात है, ये मिलिटेंसी दौर था उस टाइम, ये मेरी माँ को पता है। 32 सालों से आपने ये केस लड़ने की कोशिश नहीं की? सर मेरी माँ लड़ती थी केस, हम उधर रहते थे, मेरी माँ केस लड़ती, वो पैसे वाले, हम पैसे वाले नहीं, हमारी कौन सुनेगा। जब वकील के पास जाते हैं उसको पैसे देंगे तो वो फाइलें बंद खुल जाएंगी, अगर पैसे बंद हो जाएंगे फाइलें हमारी बंद हो जाएंगी, हमारी कौन सुनेगा। वहाँ ये एक फैमिली मेरे पास आई थी, अपेयर भी हुई थी, तो उनकी बात सुनी गई थी कि काफ़ी सालों से ये बताया गया कि फैमिली बाहर थी, ओरिजिनली यहीं के बिलोंग करती थी, काफ़ी सालों से बात की थी, फिर मैंने डायरेक्शन पास ऑन की थी कंसर्नड SDM को, तहसीलदार को, और इवन ACR यहाँ पे और तहसीलदार यहाँ पे, कि इनका मसला देखिए कि क्या इशू है, क्या वाकई इनकी कोई ज़मीन थी, अगर ज़मीन थी तो इतने 30-40 सालों से ये कहाँ थे और उस ज़मीन का स्टेटस क्या था, और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मैंने इनसे मांगी है कि क्या वाकई इनके नाम ज़मीन थी, अगर इनके नाम ज़मीन किसी और के नाम हुई है तो किस बेसिस पे हुई है, और क्या इस शख्स की कोई पुरानी ज़मीन कहीं यहाँ है, और इनको भी यही एडवाइस दिया गया है कि आप बताइए कहाँ ज़मीन है, और उस समय तक जो सारी कार्रवाई है उसको कहा है फास्ट ट्रैक पे करिए ताकि अगर इनजस्टिस किसी के साथ हुआ उसको जस्टिस मिल सके। जम्मू पठानकोट हाईवे पर बाड़ी भ्रामना में बस और मिनी बस के बीच हुई टक्कर में 4 लोग घायल हो गए हैं। चारों घायलों को इलाज के लिए जम्मू के GMC अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये सभी घायल मिनी बस में सवार थे। सुरनकोट बी के DDC सदस्य सोहेल मलिक ने क्षेत्र में विकास कार्यों को जारी रखते हुए J&K बैंक से लेकर फजलाबाद तक जाने वाली सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। इस अवसर पर PWD अधिकारियों के अलावा इलाके के गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने इस कार्य को शुरू करने के लिए PWD का आभार भी जताया है। मेरी यही आपके चैनल के माध्यम से मैं यही जो है एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करना चाहता हूँ, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जो कंटेंट है उसमें भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी जो डेवलपमेंट के काम हैं जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स करवा रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी, चलो अपनी रोजी रोटी सबको होती है लेकिन आप कोशिश करें कि मैक्सिमम जो है वो लोगों को इसमें बेनिफिट दिया जाए, ये लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है। लोगों का सामना तो हमें रहा है क्योंकि हम कुछ मतलब जो लोग रोड पर मतलब रह रहे हैं उन्हें तो बहुत मुश्किल थी क्योंकि दूर थी, तो इसमें बीमारी का मतलब खतरा भी था। अब हम मतलब आपके इस चैनल के माध्यम से और मतलब महकमा की वसाद से जो मतलब काम शुरू हुआ है, अच्छा काम कर रहा है, ठीक कर रहा है, अपने सोहेल साहब भी यहाँ पर मतलब मौका पर मौजूद थे, उनने भी बातें की हैं, तो ठीक है, महकमा का शुक्रिया, अच्छा काम चल रहा है और ये होना चाहिए अच्छा, क्योंकि अच्छा से हम बड़ी मुश्किलात में फंसे हुए। मौजूदा समय में अफगानिस्तान की शांति में आग लगाने वाले तालिबानियों और उनकी सोच की जहां विश्व भर में निंदा हो रही है, वहीं पर हमारे देश में भी तालिबान सोच रखने वाले कोई कम नहीं है, कि किसी की कमी नहीं है। बात करें अगर जम्मू की तो यहां भी तालिबानी विचारधारा का जीता जागता सबूत देखने को मिला। जम्मू में कुछ तत्वों को केंद्र सरकार की नीतियां फूटी आंख नहीं सुहा रही हैं। खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं।
शहर में कुछ जगहों पर लगे प्रधानमंत्री के पोस्टरों को इन तत्वों ने फाड़ दिया और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में अब तक के दूसरे कार्यकाल में हमारे देश ने किन ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसे तत्व इससे वाकिफ ही नहीं है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये किसकी करतूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन लोगों की क्या दुश्मनी है। जम्मू शहर के सभ्य समाज ने ऐसे लोगों की इस घिनौनी हरकत की कड़ी निंदा करते हुए इसकी निशानदेही कर कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत पर भी बल दिया है। देखिए, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, त्रिकुटा नगर में बीजेपी का ऑफिस है, बीजेपी के लोग आते जाते हैं, तो उसी इलाके में मैंने कल रात को देखा, फिर सुबह उठ के देखा कि कौन लोग हैं ये जो प्रधानमंत्री की आंखें निकाल रहे हैं, उनके चेहरे पर इतना इतना काटा हुआ। ये बड़े गलत बात है, कोई ऐसा संदेश इससे लग रहा है, कोई ऐसी बात ना हो जाए जम्मू में, ऐसे कोई साजिश ना हो जाए। तो गांधीनगर के पास ग्रेटर क्लाश में भी है, ये रेलवे में भी ऐसा हुआ है और त्रिकुटा नगर में भी 2-3 पोस्टर हमने देखे हैं। तो बड़ा हमें दुख हुआ है इस चीज़ का कि इसके मैं पुलिस जो हमारा जम्मू का प्रशासन है इससे भी खास तौर पे कहना चाहता हूँ, इसका चेक होना चाहिए कि किन लोगों ने ये काम किया है और ख़ास करके जम्मू के आईजी डीआईजी जो बड़े बड़े हैं इनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका कैमरे चेक करने चाहिए, कौन लोग हैं ऐसे जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं और इनको सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए जो मोदी साहब को ऐसे देशभक्त को तंग कर रहे हैं और उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। पता चला है, देखा हम लोगों ने त्रिकुटा नगर ग्रेटर क्लास सैनिक कॉलोनी, ये जो हमारे प्रधानमंत्री साहब का जो फोटो से उन्होंने ये चीज़ें किया, ये तो बड़ी शर्म वाली बात है और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और चाहे किसी भी हालत जैसा भी हो, जो लीडर है वो अपने दम पर अपनी पार्टी से आए हुए हैं और ये जो अच्छी हरकत है ये हमें नहीं करनी चाहिए। मैं ये आपके गुलिस्तान चैनल से ये एक अनुरोध करूँगा, आपके माध्यम से बताऊँगा उन सब लोगों को जो ये कायराना हरकत करते हैं, उनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अपने दम पर सामने आओ, उससे मुकाबला करो, पर ये चीज़ें नहीं कर जाए। और प्रशासन से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो इन लोगों पर ऐसी बात कर, वो कैमरे के थ्रू कहीं पर बात करें, उनके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि से देश की छवि खराब होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव आती है, आज वो आएंगे कल और भी कोई। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू की है। इसके लिए विभाग ने जहां ये नए वार्ड का निर्माण किया, वहीं पर जम्मू के जीएमसी अस्पताल में कोरोना महामारी से निपटने के लिए 1,143 नई भर्तियां कर स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इनमें 60 डॉक्टर भी शामिल है। पिछले एक साल में हमारे यहाँ कोई 60 डॉक्टर्स, जिसमें इंक्लूडेड है डीआरडीओ के डॉक्टर्स, हमारे यहाँ मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट SO 364 में, कुछ फैकल्टी मेंबर्स में पीएससी ने परमानेंट रिक्रूट किए हैं, कुछ एकेडमिक अरेंजमेंट पे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 60 के आसपास नंबर जो है ऐड हुआ है। ऐसे ही नर्सेज हमारे पास 375 ऐड हुए और ऐसे ही हमारे पास क्लास 4 जो हैं, जब एक महामारी होती है तो हर वर्ग के हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एक मिली जुली टीम रहती है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, एनेस्थीजिया टेक्नीशियंस, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस, सफाई क्लास 4 सफाई कर्मचारी, तो ये मिली जुली टीम जो है ये एक तरीके से काम करती है, तभी हमारी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ आती हैं। तो ये सारी रिक्रूटमेंट समय परमिट की गई थी और बहुत फास्ट की भी गई, तो 1143 टोटल रिक्रूटमेंट्स हुई और इन सबको जब न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ था तो इंडक्शन ट्रेनिंग्स देना ज़रूरी था जो, और फिर उसके बाद रिफ्रेशर कोर्सेज ज़रूरी थे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स की बहुत ज़रूरत थी। ये एक ऐसा तरीकाकार बनाया गया कि हमारी जो यहाँ की सीनियर फैकल्टी है, हमारी जो सीनियर नर्सिस हैं, सब ने मिलजुल कर ट्रेनिंग में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और ट्रेनिंग्स का ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है, रुका नहीं है। पेरिफ्री के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भी हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, ऐसे ही DRDO का नया स्टाफ हमारे मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए आ रहा है। हमारी सीनियर फैकल्टी यहाँ से वहाँ जाकर
हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रही है। तो ये टू एंड फ्रो जो स्टाफ की ट्रेनिंग का सिलसिला है ये लगातार बना हुआ है, ताकि अगर कोई ऐसे हालात या कोई ऐसी चुनौती जैसे कि हम पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हैं फिर कभी बन जाए तो हमारी तैयारियों में कमी ना। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 12वीं तक स्कूलों को खोलने का फैसला किया है और इसके साथ ही ये आदेश दिए हैं कि जिन बच्चों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, उन्हीं बच्चों को स्कूल आने की इजाजत दी जाएगी। वहीं पर स्कूलों के खुलने के बाद भी बच्चे स्कूलों में नजर नहीं आ रहे हैं। कटरा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल नरेंद्र शर्मा के मुताबिक इस स्कूल में भी कोई छात्र नहीं पहुंच पाया है। इससे यही लगता है कि किसी भी बच्चे को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है। स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस के लिए आज की डेट में कोई भी बच्चा जहाँ पे ना टेंथ का आया ना अलेवेंथ का ना ट्वेल्थ का, उसकी वजह मेन रीज़न ये है कि वैक्सीनेटेड मैंने कल लेटर बनाया हुआ था एक और वो डाल दिया था बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे टीचर्स के चल रहे हैं उसमें डाल दिया था जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं और वो सारे कल का दिन अपने पेरेंट्स से कंसेंट सर्टिफिकेट लेके जहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन उसका सबसे मेन रीज़न मुझे यही लग रहा है कि कोई भी बच्चा अभी डबल डोज वैक्सीनेशन की तरफ से भी यही मैसेज आया कि कंप्लीट वैक्सीनेशन मींस डबल डोज, तो जब तक वो पॉसिबल नहीं होता तब तक बच्चे यहाँ पे अलो ना करें। देश आजाद हुए 75 साल बीत जाने के बाद भी ब्लॉक डंसाल की पंचायत पौंथल के गांव बलाड़ के लोग सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। सड़क की सुविधा ना होने के कारण इस गांव के लोगों को रेलवे ट्रैक पर चलने को मजबूर होना पड़ता है। स्थानीय सरपंच अनिल शर्मा के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर सफर करने के दौरान ग्रामीण अक्सर किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। अनिल शर्मा का आरोप है कि वर्ष 2014 में हर वर्ष चुराना के बलाड़ गांव तक सड़क का डीपीआर तैयार होता है लेकिन सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता। स्थानीय सरपंच ने उपराज्यपाल के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी से इस सड़क का जल्द निर्माण करने की मांग की ताकि ग्रामीणों को रेलवे ट्रैक पर सफर ना करना पड़े। मैं एक अर्ज करना पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अगे और अपने उपराज्यपाल साहब मनोज सिन्हा जी अगे कि जेड़ा एक साड़ी पंचायत विच एक ग्रां है बलाड़ ग्रां है उदा एक रोड दी जेड़ी है वो बड़ी परेशानी है जेड़ा चलाना टू बलाड़ रोड है वो काफ़ी 2014-15 तो वो जी डी पी आर जी हर साल डिपार्टमेंट की जल्दी है वो लेकिन डिपार्टमेंट उस डी पी आर की पता नहीं क्या करता है लेकिन उनके कोल फंड्स नहीं होंगे डिपार्टमेंट को अस बड़े बारी गए पता करने जिंया साढ़े को फंड्स आंगन दे अस तुहाडे रोड का काम लांघन लेकिन मिमी इस रोड के पिछे जे डिपार्टमेंट के चक्कर जेड़े ने दो तीन साल के बीच मिगी भी लगे सरपंच बने हुए लेकिन मेरा जेड़े हफ्ते का 10 दिन बाद मेरा एक चक्कर डिपार्टमेंट जरूर होंगे और मैं हर बारी उनके अगे एक अर्ज करना फरियाद करना कि एक रोड जेड़ा है उस असेंगी चलाना टू बलाड़ जेड़ा रोड तकरीबन कोई 4 किलोमीटर की लेंथ है और लोगों की बहुत सारी परेशानी है वो एक ऐसा ग्रां है ऐसी विलेज है पंचायत पौंथल की जिहड़ा नाम है बलाड़ ग्रां उत्थे लोकें की बाय रेलवे ट्रैक जिहड़ा रस्ता है अपना वो चलना पौंदा है और आए दिन लोकें कन्नै कोई ना कोई हादसे होंदे रहिंदे न और लोकें की और कोई भी उत्थे रोड की कनैक्टिविटी नहीं है एक साइड जिहड़ी है रेल की पूरी लाइन जिहड़ी है वह बिछी दी है और रेलवे जिहड़ी है वह रेलवे ट्रैक उपर जिहड़ियां ट्रेन चलदियां और दूजी साइड जिहड़ी है वह बलाड़ एक ग्रां है वह एक बिल्कुल कट ऑफ होएदा लोकें की रोड की बहुत परेशानी। जम्मू के तवी नदी के चौथे पुल के साथ स्थित चौक का नाम प्रथम परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा और तालाब तिलो रोड का नाम जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शहीद विजय सिंह के नाम पर रखा गया है। भाजपा के शहरी विकास इकाई के संयोजक एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू ने इसके लिए सरकार और जम्मू नगर निगम का आभार जताया है।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के से धारा 370 और 35A के निरस्त होने के बाद जिस तरह से सरकार ने स्कूलों के मार्गों के और एवं के चौकों के नाम शहीदों के नाम पर रखने का निर्णय लिया है, सरकार का ये निर्णय सराहनीय है। मेजर सोमनाथ शर्मा जी के नाम पर जिन्होंने कवालियों से लोहा लेते हुए कश्मीर में 1949 में श्रीनगर में उनको नहीं घुसने दिया था, ऐसे वीर योद्धा के नाम पर जम्मू कश्मीर के में जो हमने कॉरपोरेशन में ये रेजोल्यूशन आया था, हम सब ने इसका सपोर्ट किया था, कल उस चौक का नाम रखा गया है। और दूसरा हमारा तालाब तिल्लो जो मेन रोड है, जो मार्ग है, उसका नाम हमारे यहाँ के ही लोकल पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर शहीद विजय सिंह जी जिन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपनी शहादत दी थी, उनके नाम पर रखा गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे इनिशिएटिव जैसा एक अभी नोटिफिकेशन निकली है एलजी प्रशासन की तरफ से कि हमारे जितने भी स्कूल हैं, चाहे मार्ग हैं चाहे चौक हैं, उनका नामकरण जो है हमारे ऐसे शहीदों के नाम पर हो जिन्होंने अपनी जान जो है इस देश की खातिर निशावर की है। मैं इस बात का पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।